बच्चों को पबजी और वीडियो गेम्स से हटाने के लिए कराची के प्लेयर्स के लिए फुटसॉल टूर्नामेंट का इनका किया गया। लाइटनिंग एफसी ने फुटसॉल टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। इमरान सिद्दीक की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शहर कायद में मुनक़िदा ऑल कराची यूथ स्पोर्ट्स क्लब के तहत छठे फुटसॉल टूर्नामेंट में 32 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल में लाइटनिंग एफसी ने शानदार खेल पेश करते हुए कामयाबी हासिल की। ऑर्गेनाइजर का कहना था कि हमारी नौजवान नस्ल पबजी और दीगर वीडियो गेम्स की तरफ जा रही है, इन्हें मजबूत सरगर्मियों में लाना हमारा मकसद है। यूथ जो है जो गलत ट्रैक की तरफ जा रही है, सोशल मीडिया से, मोबाइल से गलत ट्रैक की तरफ जो जा रही है, हम उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। यहाँ के बच्चों में, यहाँ की यूथ में बहुत टैलेंट है। ये चीज गवर्नमेंट अगर देख ले और इनको प्रमोट करे आगे, तो मेरे ख्याल में कि हम पाकिस्तान जो है वो नंबर वन पे आ सकती है। नौजवान खिलाड़ियों ने भी इवेंट के इनेकाद को खुशायन करार दिया। वो अच्छे शॉट पॉट ले रहे हैं, ये टूर्नामेंट भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है कि अपने स्किल शो करें। इस तरह के टूर्नामेंट मतलब इस कराची में बहुत कम होते हैं, तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर अस। टूर्नामेंट में सड़कों पर खेलने वाले बच्चों ने भी हिस्सा लिया, जिन्होंने फुटसॉल के खेल में सलाहियतों के खूब जौहर दिखाए। हाजिर होंगे एक ब्रेक के।